नमस्कार के हरियाणा पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। 7 अक्टूबर को इनेलो की एक गोहाना में सम्मान दिवस के उपलक्ष्य में एक रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली के बाद एक चर्चा बहुत तेजी से बढ़ रही थी। सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी वायरल हो रहा था जिसमें कहा गया था कि बीएसपी के जो हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रकाश भारती, उनका अपमान इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा किया गया है। इस बारे में एक टीवी चैनल ने खबर भी प्रसारित की थी कि इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने बसपा की पगड़ी को अस्वीकार कर दिया। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए प्रकाश भारती, जो कि बसपा के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने उस चैनल को एक लीगल नोटिस जारी किया है। चलिए उन क्या कुछ इस लीगल नोटिस में उनको बोला गया है, किस तरह की हिदायत दी गई है। प्रकाश भारती के जो लीगल एडवाइजर हैं दयाराम जोया, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर इस नोटिस में क्या कुछ उनको दिया हिदायत दी गई है। दयाराम जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप प्रकाश भारती, जो कि बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा से, उन्होंने उनकी ओर से आपने एक लीगल नोटिस जारी किया एक चैनल को, उस नोटिस में क्या कुछ हिदायत दी गई है उस चैनल को? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ भी 7 अक्टूबर को गोहाना के अंदर एक सम्मान दिवस रैली का आयोजन किया गया था, जो एक्स वाइस प्राइम मिनिस्टर ताऊ देवीलाल जी के जन्मदिन पर आयोजित की गई रैली थी। तो उसमें जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं प्रकाश भारती जी, तो उन्होंने जो है नीली पग श्री ओम प्रकाश चौटाला जी को भेंट की थी, तो उन्होंने स्वीकार भी की थी। लेकिन एक न्यूज़ चैनल जो हरियाणा न्यूज़ चैनल है, उसने जो है इस न्यूज़ को मैनिपुलेट करके पेश किया जनता के सामने, ताकि जो बसपा और इनेलो का जो गठबंधन है वो किसी तरह से टूट जाए। तो ये जो मैनिपुलेटेड जो न्यूज़ है, फॉल्स न्यूज़ जो उन्होंने डिस्प्ले की, तो उसका संज्ञान लेते हुए आदरणीय प्रकाश भारती जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बसपा के, उन्होंने मेरे को ये इंस्ट्रक्शन दी भी आप जो है इनको लीगल नोटिस जारी करें, इनके खिलाफ एक्शन लें। तो हमने आज जो है एसटीवी हरियाणा न्यूज़ चैनल के चीफ एडिटर और चीफ एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर को, जो गुड़गांव में स्थित ऑफिस है, उनको लीगल नोटिस जारी किया है, ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी जो मैनिपुलेटिंग न्यूज़ जो है वो बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के किसी नेता के बारे में, और हम ये जो बहुजन समाज पार्टी और INLD का जो गठबंधन हुआ है उसको किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने के आशय से कोई भी इस प्रकार की हरकत ना कर सके। और इसमें मैं आपको बात बता दूं लीगल पहलुओं पे, क्योंकि कोई भी अगर प्रेस है, मीडिया है, उसको इतनी इंडिपेंडेंसी नहीं है कि वो किसी भी न्यूज़ को मैनिपुलेट करके जनता के सामने पेश करे। इसमें सीधा का सीधा प्रकाश भारती जी ने संज्ञान लेते हुए इंस्ट्रक्शन दी है भी ये जो साजिश है दूसरी पार्टियों की हो सकती है और उनकी इस चैनल के साथ भी मिलीभगत हो सकती है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने जो आज है मेरे ऑफिस से लीगल नोटिस जारी इस चैनल को किया है। अगर ये समय रहते हुए लीगल नोटिस जो मैंने जारी किया है इसको सीरियस लेते हुए अगर ये अपोलाइज करते हैं और इस न्यूज़ का जो इन्होंने फॉल्स न्यूज़ दी है इसका खंडन करते हैं, और प्रकाश भारती जी
जो भी यानी कि आगे के लिए जो भी मुझे इंस्ट्रक्शन देंगे वो लीगल एक्शन इनके खिलाफ लिया जाएगा। सर आखिर ये मामला क्या है पूरा? वीडियो में दिखाया जा रहा है कि चौटाला साहब जो उस पगड़ी को रिजेक्ट कर रहे हैं, पहले एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, सर पे हाथ रख के उसको एक्सेप्ट किया, उसके बाद में फिर उंगली के द्वारा ऐसे हिलाया बताया जा रहा है। तो प्रकाश भारती से आपकी बात हुई होगी, प्रकाश भारती जी ने इस विषय में आपको क्या बताया, क्या उन्होंने? आदरणीय प्रकाश भारती जी ने मेरे को उस मौके के बारे में बताया और उन्होंने ये बात बताई, जब उन्होंने नीली पग बहुजन समाज पार्टी की एक्स चीफ मिनिस्टर और इनेलो के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी, उनको जब नीली पग भेंट की तो उन्होंने मेरे को ये बताया भी जो चौटाला साहब हैं उनके एक हाथ में गेडी पकड़ी हुई थी और एक हाथ ऊंचा उठाते हुए उन्होंने नीली पग के हाथ लगाया, उन्होंने यानी कि अपना हाथ ऊंचा उठा करके नीली पग को और पूरी जनता को जो है ना वो सम्मान जो है वो दिखाया और ऐसी कोई बात नहीं थी। और फिर जो पग थी वो कंधे पे रखी गई और ओम प्रकाश चौटाला जी का ये जवाब था भी बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का पीएम बनाना है और उनको पीएम बनाने का जो भार है वो मेरे कंधों पे होना चाहिए, उनका मान सम्मान। और क्योंकि उन्होंने भारती जी ने बताया भी उन्होंने हरी पग जो है पहले बांधी हुई थी और पग बांधने में टाइम भी लगता है और इस हिसाब से उन्होंने बताया भी कोई भी मान सम्मान को हमारे ठेस नहीं पहुंचाई गई और ये वीडियो किसी तरीके से मैनिपुलेशन के आधार पे ये वायरल किया गया। हमारी पूरी जो कोशिश है वो आदरणीय माननीय प्रकाश भारती जी की इंस्ट्रक्शन से इनके खिलाफ कार्रवाई लीगल एक्शन लेने की है और जो भी उचित कार्रवाई बनेगी लीगल नोटिस हमने जारी कर दिया है, लीगल नोटिस के बाद जो भी आगामी कार्रवाई है वो कंसर्न कोर्ट के अंदर की जाएगी।